पर सवाल भेजा है ONGC पर, उनके पास 1087 शेयर्स है जो उन्होंने 326 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा, 294 के आसपास स्टॉक है तो नुकसान तो है उनको इस पोजीशन पर। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी ONGC पर? देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता नजर आ रहा है 280 के आसपास, और अगर हम अपसाइड के हर्डल्स देख रहे हैं वो 300 से लेकर 305 के जून के आसपास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल सकता है 305 के आसपास, जो कि वहां से फिर बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और फिर वहां से हमें 320-325 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। सो 280 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है 302-305 के ऊपर, वहां से हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है ONGC में। बिल्कुल, तो ये राय है ONGC पर, थोड़ा समय वेट करने की सलाह, और एक पोजीशन के बाद और ज़्यादा लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। भोपाल से अमित अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, बताए कौन से स्टॉक्स में पोजीशन है आपके? मैम आपको मैंने वो भेजा हुआ है, आपके पास मैसेज पहुंच गया है। ओके, तो हमारे डेटाबेस में आपके पास गेल शेयर है, 30 शेयर यस मैम, जो आपने 225 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी करीब 235 के आसपास है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट इस पोजीशन पर है आपको। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अमित? 6 मंथ। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए इस हफ्ते स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, एंड इनफैक्ट स्टॉक जो है अराउंड 10% ऊपर है इस हफ्ते के लिए। आज भी गैप अप हुआ था और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है हायर लेवल से, बट अभी भी इसका जो वीकली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव बना है, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक जो है वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस रह सकता है इन द कमिंग वीक्स। तो डेफिनेटली बने रहिए, न्यू हाई स्टॉक में देखने को मिल सकता है, पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से भी 250 से 255 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर गेल को लेके सवाल बहुत पूछ रहे हैं हमारे यूट्यूब के दर्शक, जिसका जवाब दे दिया गया है। मोहंती ने यूट्यूब पर सवाल भेजा है वेदांता पर। उन्होंने अपने पोजीशंस या परचेस प्राइस तो नहीं डाली, लेकिन वेदांता पर एक राय ले लेते हैं। याद रखें, डिविडेंड का ऐलान कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 8 अक्टूबर को मीटिंग होगी, जिसके चलते 2 दिनों में लगातार वेदांता के स्टॉक में तेजी दिखी है। कल करीब 4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, आज भी करीब 1.5% की तेजी वेदांता के स्टॉक पर दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी वेदांता पर? देखिए डेली के चार्ट्स पे तो ये हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है, बट अगर हम ये ब्रॉडर चार्ट का स्पेक्ट्रम अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 590 से लेकर 600 के लेवल्स को टच कर सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर, हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना चाहिए जो कि आ रहा है 470 के आसपास, और जब तक ये 470 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक में हायर मोमेंटम बना रहेगा, और आने वाले समय में हमें 590 से लेकर 600 के लेवल्स भी ये स्टॉक शो कर सकता है।